बात करते हैं भाजपा के अरुण की। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं निगम बोध घाट, जहां पर अरुण जेटली का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसमें जेटली जी की भूमिका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो मैं उसको अलग रूप में नहीं देखूंगा। सरकार में बैठने के बाद आपको बता दें कि आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर अरुण जेटली का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इससे पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पार्टी मुख्यालय में रखा गया था। बीजेपी की दमदार आवाज मौन हो गई है और पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अरुण जेटली के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी उनके घर पहुंचे, जहां अरुण जेटली का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। आडवाणी ने जेटली को याद करते हुए कहा कि जेटली एक कद्दावर नेता और बेहतरीन प्रशासक तो थे ही, और साथ ही कानून का ज्ञान उनमें चार चांद लगा देता था। पूरे देश में शोक की लहर है, आपको बता दें एक दमदार आवाज मौन हो चुकी है। अंतिम दर्शन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्थिव शरीर को रखा गया था, और बीजेपी की इस मुख्यालय का उद्घाटन फरवरी 2018 में किया गया था। बीते करीब एक साल में मुख्यालय तीन प्रमुख नेताओं की अंतिम यात्रा का साक्षी बना है, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और अब अरुण जेटली। आपको निगम बोध घाट से लाइव हम दिखा रहे हैं, कुछ ही समय में अरुण जेटली का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें कि अरुण जेटली मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दूसरे नंबर के सबसे अहम शख्सियत माने जाते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। शुरुआती करियर की अगर बात करें तो 1990 में अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। वीपी सिंह सरकार में उन्हें 1989 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था, और बोफोर्स घोटाले की जांच में पेपर वर्क भी अरुण जेटली ने किया था। बहुत ही अहम भूमिका अरुण जेटली ने वहां निभाई थी। साथ ही जेटली देश के टॉप 10 वकीलों में से एक माने जाते थे। कुछ ही समय में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, आपको निगम बोध घाट से लाइव हम दिखा रहे हैं। न केवल बीजेपी बल्कि पूरा देश शोक में है। पार्टी सहित विपक्ष के नेताओं ने भी मुख्यालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अरुण जेटली। 9 अगस्त को दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें भर्ती करवाया गया था, और अब दुनिया को छोड़कर चले गए हैं अरुण जेटली। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को एम्स में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन से राजनीतिक जमात में शोक की लहर है और आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह कैलाश कॉलोनी स्थित उनके आवास से जनता दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय ले जाया गया था और जेटली का पार्थिव शरीर ले जा रहे फूलों से लदे सैन्य वाहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी काफिले में मौजूद थे। अपने अंतिम सफर पर हैं अरुण जेटली। बस यादों में ही रह जाएंगे अरुण जेटली। और बीजेपी के लिए जेटली की भरपाई करना काफी मुश्किल है। एक दमदार आवाज मौन हो चुकी है जिसकी भरपाई करना काफी मुश्किल है। निगम बोध घाट लाने से पहले पार्टी मुख्यालय में विपक्ष के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में गमगीन माहौल है। न केवल भाजपा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पार्टी मुख्यालय में रखा गया था। क्या अंतिम प्रक्रियाएं अभी निगम बोध घाट पर चल रही हैं। पूरे देश में गम का माहौल है। शोक की लहर पूरे देश में छा गई है।
आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सहपाठी, सखा, शुभचिंतक व मार्गदर्शक को खो दिया है। उनसे लगभग 48 वर्षों का संबंध था। आपातकाल के विरोध में दिल्ली में पहला जुलूस उनके नेतृत्व में ही निकाला गया था। प्रदर्शन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉफी हाउस चले गए थे और जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अहम भूमिका जेटली ने निभाई थी। और बीजेपी के लिए इस नुकसान की भरपाई करना बेहद मुश्किल है। अपने अंतिम सफर पर हैं अरुण जेटली। ।28 दिसंबर 1952 को जन्म हुआ था उनका और 24 अगस्त 2019 में निधन उनका हो गया। भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता थे अरुण जेटली। जेटली 1991 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे और 1999 के आम चुनाव से पहले की अवधि के दौरान भाजपा के प्रवक्ता बन गए थे। कुछ ही समय में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वकील से एक सफल राजनेता तक का सफर तय करने वाले अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और भारत सरकार में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री रहे अरुण जेटली का नाम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास में शामिल रहेगा। राजनीति में आने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। जेटली ने 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उस समय वो युवा मोर्चा के संयोजक थे। उन्हें पहले अंबाला जेल और फिर तिहाड़ जेल में रखा गया था। वाजपेयी सरकार के दौरान जेटली पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। यूपीए शासन के दौरान उन्होंने 2009 से 2014 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। एक लंबा राजनीतिक सफर पर आगे काफी तक पहुंचने वाले अरुण जेटली का साथ उनके स्वास्थ्य ने नहीं दिया और 24 अगस्त 2019 को 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन हम सबकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे अरुण जेटली।
हम सब की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे अरुण जेटली, और बीजेपी के लिए इस भरपाई करना बेहद मुश्किल है। कुछ ही समय में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का शनिवार को एम्स में निधन हो गया। 66 वर्षीय जेटली लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और 24 अगस्त को उन्होंने दोपहर 12:07 पर अपनी अंतिम सांस ली। जेटली को सांस लेने में तकलीफ के बाद 9 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाया गया था। उनका सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का इलाज भी चल रहा था। वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अरुण जेटली थे। उनके निधन की खबर सुनते ही हॉस्पिटल के बाहर समर्थक जुटने लगे। जेटली के पार्थिव शरीर को शाम को उनके आवास लाया गया और यहां तमाम राजनीतिक दलों के नेता और अन्य हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। और साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधकर खेलने उतरी। आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से सभी राजनीतिक दलों में अपने मित्र बनाए थे। उन्होंने प्रतिद्वंदी दलों के रुख का मुखर विरोध किया, लेकिन अपने सूझबूझ भरे व्यक्तिगत संबंधों से विपक्षी नेताओं के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई थी। अरुण जेटली विपक्षी दलों के रुख का जोरदार विरोध किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस भावना को नहीं छोड़ा और यही कारण है कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों में अपने मित्र बनाए। देश में जब आपातकाल लगाया गया तो जेटली भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हो गए और युवा जेटली इस दौरान जेल भी गए और वहीं उनकी मुलाकात उस वक्त के वरिष्ठ नेताओं से हुई। जेल से बाहर आने के बाद वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जेटली अभी ही नहीं बल्कि पहले से संकट मोचक रहे हैं। 2002 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगों को लेकर राजधर्म की बात कही तो जेटली खुलकर मोदी के बचाव में आए और उन्होंने नैतिक समर्थन किया। मोदी जब दंगों को लेकर कानूनी पचड़ों में घिरे तो भी एक वकील के रूप में जेटली उनके लिए मददगार साबित हुए। पिछली सरकार में संसद के भीतर और बाहर जेटली मोदी सरकार पर मंडराए संकटों को टालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। नोटबंदी पर जब सरकार घिरी तो इसके फायदों को लेकर सबसे ज्यादा तर्कपूर्ण ढंग से जेटली ने सरकार का बचाव किया, और इसी प्रकार राफेल पर संसद के भीतर और बाहर जेटली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार राफेल सौदा देश हित में है और कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। आर्थिक भगोड़ों से जुड़े मामले हों या फिर 3 तलाक जैसे कानून का रास्ता निकालना, सुवर्ण आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन हो या कोई भी अन्य कानून, जेटली अपनी सूझबूझ से सरकार को न सिर्फ हल सुझाते थे बल्कि संसद के भीतर और बाहर सक्रिय होकर उसे मुकाम तक भी पहुंचाते थे।
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की शख्सियत का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जिस स्कूल से उनके बच्चों ने पढ़ाई की, चाणकपुरी स्थित उसी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने अपने ड्राइवर और निजी स्टाफ के बच्चों को भी पढ़ाया। जेटली अपने बच्चों रोहन और सोनाली को जेब खर्च भी चेक से देते थे और इतना ही नहीं, स्टाफ को वेतन और मदद सब कुछ चेक से ही देते थे। उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस के समय से ही मदद के लिए वेलफेयर फंड बना लिया था और इस खर्च का प्रबंधन एक ट्रस्ट के जरिए करते थे। जिन कर्मचारियों के बच्चे अच्छे अंक लाते हैं उन्हें जेटली की पत्नी संगीता भी गिफ्ट देकर प्रोत्साहित करती हैं। और आज अपने अंतिम सफर पर हैं अरुण जेटली। पूरे देश में शोक की लहर है, दुनिया को छोड़कर चले गए अरुण जेटली और बस यादों में ही रह जाएंगे। ২০১৯ में मोदी सरकार में शामिल नहीं हुए थे अरुण जेटली, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा मोर्चा संभाल लिया था और अरुण जेटली ने 2019 में मोदी सरकार में शामिल नहीं होने का ऐलान ट्विटर पर किया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था और इसके बावजूद जेटली सरकार की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे, कई बार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए लंबे ब्लॉग्स लिखे। बीजेपी के लिए जेटली की भरपाई करना काफी मुश्किल है। थोड़ी ही देर में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद हैं। विपक्षी दलों के तमाम नेता इस वक्त वहां मौजूद हैं। एक कुशल वक्ता और प्रखर रणनीतिकार का प्रस्थान होगा। पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। अमित शाह, वेंकैया नायडू ने भी जेटली को श्रद्धांजलि दी है और विपक्षी दलों के तमाम नेता इस वक्त वहां मौजूद हैं।